नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां गांव कालाखेत सोनई मैनपुरी में चल रही श्रीमद भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ में पंचम दिवस को मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। बात करेंगे गाजीपुर की, यहां से धौना स्थित रामलीला मैदान में किसान चौपाल आयोजित कर चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। बताएंगे कैसे ललितपुर में स्वयं के अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिरोजाबाद गांव कालाखेत सुनई जनपद मैनपुरी में श्रीमद भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया गया। यहां पांचवें दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का सरस कथावाचक व्यासाचार्य लाल कुमार शास्त्री ग्राम चौधरी बालक द्वारा कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव का वर्णन किया गया। वहीं कथावाचक व्यास लाल कुमार शास्त्री जी के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में श्रीमद भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ सुनने का अवसर बड़ा ही सत्कर्म करने के बाद मिलता है। यह अवसर मनुष्य को गंवाना नहीं चाहिए। वहीं पर निज निवास निवासी कुमारी मोनिका यादव के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, हमारे छोटे से गांव में आचार्य लाल कुमार शास्त्री द्वारा श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया है। लाखों हजारों की तादाद में वक्त गड़बड़ लग रहे हैं, जहां इस पावन में अमृत गंगा में लोग अपने जीवन को धन्य करने के लिए आपस में लगाए हुए हैं होड़। जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मोनिका कुमारी जी। मोनिका जी, जो आपके इस छोटे से गाँव में श्री मद भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है, आज इस कथा का कौन सा दिवस है? पंचम दिवस। व्यास के द्वारा आज कथा में किस चीज का वर्णन किया गया है? श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव हुआ है, जिसमें भक्तों के द्वारा किस प्रकार का योगदान हुआ है, कैसा महसूस किया है आपने? बहुत अच्छा महसूस किया है, हम लोगों ने बहुत नाचे भी, गाए भी, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। श्री मद भागवत कथा में व्यास जी के द्वारा किस प्रकार की कथा कही जा रही है? बहुत अच्छी। इससे जन जन को क्या संदेश जाएगा? श्री मद भागवत कथा से जन जन को क्या संदेश जाएगा? सभी के पाप जन्म जन्म के धुल जाएंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, यहाँ सिधौना स्थित रामलीला मैदान में किसान चौपाल आयोजित कर चौधरी चरण सिंह को पुण्यतिथि मनाई गई। भारी संख्या में जुटे किसानों ने चौधरी साहब के योगदान को याद किया। आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार में देश का आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और आध्यात्मिक विकास हो रहा है। वहीं गाजीपुर का अगला सांसद जेल से नहीं आपके मेल से चलेगा। कार्यक्रम में रामतेज पांडे, देवव्रत चौबे ने संबोधित किया। किसान चौपाल की अध्यक्षता भवानी चरण मिश्रा और संचालन अश्विनी पांडे ने किया। कृष्णानंद सिंह, शिवाजी मिश्रा, शर्मा प्रसाद, तिवारी रामधनी, करुणा शंकर, पंकज इत्यादि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, यहाँ गायत्री महामंत्र द्वारा यज्ञ का शुरुआत के साथ पूरे क्षेत्र में भक्तिमय हो गया। गिरिडीह जिला अंतर्गत गावा प्रखंड के उपरैली कुवाई में गायत्री महामंत्र के द्वारा यज्ञ का शुभारंभ किया गया। यहां प्रथम दिन कलश यात्रा के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। यज्ञ पुजारियों के द्वारा बताया गया कि यह यज्ञ 28 मई से लेकर 1 जून तक चलेगा। रात में कथा प्रवचन, दिन में शुरुआत के साथ हवन और रात में मेला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित हैं। मौके पर आचार्य अयोध्या प्रसाद यादव, विनोद यादव, रुपेश कुमार, सुनील साफ, उपेंद्र पंडित, गुड्डू कुमार, ओम कुमार, नूनमान प्रसाद यादव इत्यादि हजारों लोग मौजूद रहे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता सचिदानंद की रिपोर्ट। खबर गुना से है, यहां 4 साल पहले घटित टेकरी मंदिर चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम का आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा सम्मान किया गया। यहां एसपी ऑफिस पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा सहित टीम के अन्य पुलिस अधिकारियों का फूल माला पहनाकर शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने अभी हाल ही में 4 लोगों को गिरफ्तार कर टेकरी चोरी का खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद पुलिस टीम की प्रशंसा की जा रही है। साथ ही मुस्लिम समुदाय सहित समाजसेवी संस्थाओं ने भी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सम्मान किया। बता दें, जिले की कमान संभाल रहे पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने मामले का संज्ञान में आने पर उनके द्वारा कैंट और कोतवाली थाने में पुलिसकर्मियों को इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए निर्देशित किया गया था, जहां कैंट थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया, कोतवाली थाना प्रभारी अनूप भार्गव और उनकी टीम द्वारा लगातार मामले के खुलासे में लगे रहे और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। आज जिले भर में जिला पुलिस प्रशासन की सफलता की आमजन में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में जाट सोशल ग्रुप के सदस्य राम राजा जाट के द्वारा 3100 रुपये का नगद पुरस्कार रखा गया था, जो कि आज पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा और उनकी विशेष टीम को जाट सोशल ग्रुप द्वारा सम्मानित कर राशि भेंट की गई। मौके पर जाट सोशल ग्रुप के सदस्य देवेंद्र सिंह सोलंकी,
रामराजा जाट, धर्मपाल सिंह जाट, नितिन जाट और समाजसेवी मौजूद रहे। मामला 2020 का है, जो हमारा शहर का एक टेकरी धाम बहुत स्थान, बड़ा स्थान है, जिसमें लोगों ने रात को चढ़कर और चोरी की। उसमें उसी समय से पुलिस प्रयासरत रही और पुलिस ने बहुत सारा प्रयास किया, पर चोर पकड़े अभी हुए हैं। तो जो चोरी पकड़ी हुई है उसके लिए अपन ने पुलिस अधीक्षक महोदय को और पुलिस के पूरे स्टाफ को एक सम्मान किया है, और सम्मान होना भी चाहिए कि टेकरी धाम जैसे स्थान पर लोगों ने चोरी करने की हिम्मत करी, जो पूरे एक हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, उन पे लोगों ने किया गलत काम, उनको पुलिस ने भी दंड दिया है, पर मैं तो ये कह रहा हूँ और ईश्वर से भी दंड मिलना चाहिए, इतना बड़ा गलत काम किया है। इसके लिए मैंने पहले 5-6 बार और भी ज्ञापन दिए विश्व हिंदू परिषद संगठन ने, तो पर चोरी अभी तक पकड़ी नहीं हुई, और मैं चाहता हूँ कि जी ऐसे लोगों का डोजर कार्रवाई भी और होना चाहिए, भाई इतना बड़ा अपराध कर रहा है तो उनको उतना बड़ा दंड मिलना चाहिए। बताएं, आज सम्मान किया है। जैसा कि हम सबको पता है, 4 साल पहले जो चोरी की घटना हुई थी टेकरी सरकार पर, उस टाइम टेकरी सरकार की जो भक्तजन है उसके लिए बड़ा आघात हुआ था। उसी में से हमारे एक जाट सोशल ग्रुप के भक्तजन है रामराजा जाट के द्वारा उस टाइम घोषणा की थी कि जो भी पुलिस का जो भी चोरों का पता लगाएगा, अज्ञात चोरों का पता लगाएगा, उनके लिए हम 3100 रुपये का नगद पुरस्कार देंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा जी और उनकी विशेष टीम के द्वारा चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज हम लोग सभी जाट सोशल ग्रुप के सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो भी 3100 रुपये का जो नगद इनाम हमने लोगों ने रखा था उसको सप्रेम भेंट देने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय टेक सरकार। और सभी जिन्होंने जो इसमें सम्मिलित थे, जिस टीम ने उनका हमने सम्मान किया, माला। गुना से सीनियर संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है। यहाँ अपहरण की झूठी कहानी, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने और देने पर स्वयं की हत्या करने वाले आरोपी और उसकी मदद करने वाली बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, 24 मई को एक प्रकरण हुआ था मेहरौनी थाने क्षेत्र में, जिसकी जानकारी जो है 26 तारीख को जो एक माखन सिंह है इनकी पत्नी के द्वारा बताया गया था कि इनके पति 24 तारीख को मेहरौनी थाने क्षेत्र में जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है करवा रहे थे, और उसके बाद से जो है वो घर नहीं आए हैं। इन लोगों ने सभी रिश्तेदारियों में उनकी खोजबीन की थी लेकिन वो मिल नहीं पाए थे, तो इनके द्वारा एक गुमशुदगी जो है वो दर्ज कराई गई थी मेहरौनी थाने में। और कल जो है इनके द्वारा, इनके परिवारजनों के द्वारा जो है आकर के बताया गया था कि इनके घर पे एक लेटर जो है वो मिला है, जिसमें इनके जो भाई हैं उनकी किडनैपिंग की बात जो है वो लिखी गई थी, और उनसे 10 लाख रुपये की मांग जो है वो की गई थी, और बताया गया था कि पुलिस को यदि इसकी सूचना दोगे तो हम इनको जान से मार देंगे। और साथ ही एक रैंसम कॉल भी इनके पास आया हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपये की मांग जो है वो की गई थी। जैसे ही इनके द्वारा ये सूचना दी गई थी, तत्काल इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसके अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन जो है वो CO हमारे मेहरौनी के निर्देशन में जो है उसका गठन किया गया था। उसमें टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से और धरातलीय जो सूचना है उन सब के माध्यम से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है इसमें एक चौंकाने जनक जो है तथ्य सामने आया कि जो माखन सिंह है जिनका किडनैपिंग की बात हुई थी, वही इस पूरे किडनैपिंग के जो है मेन अभियुक्त हैं, और उनके द्वारा पिछले 1 महीने से स्वयं की किडनैपिंग की जो है एक आपराधिक षड्यंत्र जो है वो इनके द्वारा रचा गया था। इसके जो मोटिव इनसे पूछा गया तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये अपने ससुराल में जो है वो बसे हुए थे, और इनके ससुर ने इनको 2 एकड़ की जमीन जो है वो इनके नाम पे किया हुआ था। ससुर और इनके बीच में जो है कभी कभी लड़ाई जो है वो हो जाया करती थी, इसके वजह से इनके द्वारा जो है अपने ससुराल को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पे घर बनाने के लिए और अपने आप को शिफ्ट करने के लिए इनके द्वारा प्रयास जो है वो किया जा रहा था। उसके लिए एक बड़े अमाउंट की जरूरत थी, और इनको भरोसा था कि इनके भाई और इनके ससुर जो है वो अपनी जमीन को बेच करके इनको 10 लाख रुपए जो फिरौती की रकम है वो दे इनको मिल जाएगा, और उससे जो है ये अपना दूसरे जगहों पे घर बना करके ये शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके का षड्यंत्र जो है इनके द्वारा रचा गया था, और इसमें इनका सहयोग जो है वो इनकी जो एक सिस्टर हैं जिनका नाम जो है शीला है, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण रोल था सहयोग में। तो इन दोनों ने ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र जो है वो रचा हुआ था। आज इनको जो है दोनों को अरेस्ट करके इनको आज जेल जो है वो भेजा जा रहा है, और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पूरी हमारी टीम को जो है, चूंकि बहुत ही संवेदनशील जो है एक प्रकरण था ये, उसको बहुत ही तत्परता के साथ जो है
विद इन 14 घंटे के अंदर में जो है हमारी टीम ने इसको जो है क्रैक डाउन किया है। उस पूरी टीम को जो है 25,000 रुपए का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र जो है वो भी मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।